दोस्तों, आप अपने फोन में कौन सा स्क्रीन लॉक यूज करते हो? पैटर्न लॉक, पिन लॉक, फेस लॉक या फिर फिंगरप्रिंट लॉक? लेकिन अगर आप अपने फोन में वॉइस लॉक को इनेबल करना चाहते हो तो भाई इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने किसी भी फोन के अंदर वॉइस लॉक को कैसे इनेबल कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आपके वॉइस से जो आपका फोन है ना वो अनलॉक होगा। जो भी आप पासवर्ड सेट करोगे, अपना नाम या फिर अपनी गर्लफ्रेंड का नाम और उस नाम को अपने फोन को आप बोलोगे तो जो आपका फोन है वो ऑटोमेटिक ही अनलॉक हो जाएगा। आपको अपने फोन को छूने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने फोन के अंदर खुद से कुछ नया सेटिंग्स करना होगा और उसके बाद आप अपने किसी भी फोन के अंदर वॉइस लॉक को इनेबल कर सकते हो। तो चलिए उस सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं टेक शिवम सोनी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आप किस तरीके से अपने किसी भी फोन के अंदर वॉइस लॉक को कैसे इनेबल कर सकते हो ताकि जो आपका फोन है ना सिर्फ आपका आवाज से अनलॉक हो। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर एक छोटा सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। ज्यादा बड़ा एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ 3 या 4 MB का है, ठीक है। तो डायरेक्टली उस एप्लीकेशन को हम यहां से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा और इसी के अंदर आपको खुद से कुछ नया सेटिंग्स करना होगा और उसके बाद आप अपने किसी भी फोन में वॉइस लॉक को इनेबल कर सकते हो। तो सबसे ऊपर में आपको मिलता है कंटिन्यू टू ऐप का ऑप्शन, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहां पर आपको अलाउ करना है, ठीक है। यहां पर आपको अलाउ एक्सेस का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है और उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको व्हाइल यूजिंग द ऐप के नाम से, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको टैप ऑन माइक के नाम से, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद नीचे में आपको डू इट लेटर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको टैप करना है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आपको करना क्या है, स्क्रीन लॉक स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली आपको यहां से इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहां पर आपको अपना वॉइस रिकॉर्ड करना है, ठीक है। जो भी आप यहां पर अपना आवाज से रिकॉर्ड करना चाहते हो, जैसे कि अपना नाम रखना चाहते हो, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम रखना चाहते हो या फिर जो भी यहां पर आपको रिकॉर्ड करना है वो यहां पर आप कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको माइक पे टैप करना है और यहां पर जो भी आपको रिकॉर्ड करना है वो आप कर लेना, शिवम। तो यहां पर आप देख सकते हो जो वॉइस रिकॉर्ड है, यहां पर वॉइस पासवर्ड है शिवम, यहां पर देख सकते हैं रिकॉर्ड हो चुका है। अब यहां पर आपको करना क्या है, डायरेक्टली यहां पर आपको कंफर्म पे टैप करना है। टैप करने के बाद यहां पर अलाउ का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली आपको यहां से इसे अलाउ करना है, ठीक है। अब यहां पर आपको 3 परमिशन मिलेंगे जो कि तीनों परमिशन को यहां से अलाउ करना है। तो सबसे पहले आपको मिलता है ओवरले परमिशन, डायरेक्टली आपको यहां से ऑन करना है, उसके बाद ओपन सेटिंग्स के अंदर आ जाना है, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर कुछ लोडिंग लेगा और यहां पर जो एप्लीकेशन है डायरेक्टली यहां से सर्च कर लेना और यहां से इसे ऑन कर देना, ठीक है। ऑन करने के बाद डायरेक्टली बैक चले आते हैं। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन एक्सेस का ऑप्शन मिलेगा, यहां से आपको इसे ऑन करना है और यहां पर ओपन सेटिंग्स के अंदर आ जाना है, ठीक है। उसके बाद इसे भी यहां से आप ऑन कर देना, यहां से अलाउ कर देना, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली आपको बैक चले आना है। अब लास्ट वाला ऑप्शन जो है फोन कॉल एक्सेस, इसे आपको यहां से ऑन करना है, ओपन सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहां से अलाउ कर देना है, ठीक है। तो यहां पर जितने परमिशन थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहां पर डायरेक्टली आपको डन कर देना है, ठीक है। डन करने के बाद यहां पर आपको रिकवरी पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो या फिर कहीं भीड़ भाड़ में हो और आपका जो वॉइस है वो एक्सेस नहीं हो पा रहा है तो इस रिकवरी पासवर्ड से आप अपने फोन को अनलॉक कर सकते हो। तो जो भी यहां पर आपको क्वेश्चन चाहिए डायरेक्टली यहां पर आप सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद जो भी आंसर यहां पर देना है डायरेक्टली यहां पर आंसर दे देना, उसके बाद यहां पर आप इसे सेव कर देना, ठीक है। सेव करने के बाद यहां पर आपको कुछ ऐड आएंगे तो ऐड को यहां से कट कर दीजिएगा। तो सारा सेटिंग्स यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं ये किस तरीके से काम करता है। डायरेक्टली मैं अपने फोन को लॉक करता हूं, यहां से डायरेक्टली मैंने अपने फोन को लॉक किया और यहां पर आप देखना जब तक यहां पर मैं अपना नाम नहीं बोलूंगा तब तक जो मेरा फोन है वो अनलॉक नहीं होगा। यहां पर माइक का ऑप्शन एक मिलेगा, डायरेक्टली आप इस पर टैप करोगे, शिवम।
तो यहाँ पर आप देख लो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पर आप देख लिए, डायरेक्टली मैं एक बार और आपको दिखाता हूँ। डायरेक्टली मैं अपने फोन को लॉक करता हूँ, यहाँ से अनलॉक करता हूँ, और ये जो माइक वाला ऑप्शन है इस पर आपको टैप करना है शिवम। तो यहाँ पर आप देख लो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। तो इसी तरीके से आप अपने किसी भी फोन के अंदर वॉइस लॉक को एक्सेस कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो। और अगर आप अपना वॉइस लॉक नहीं एक्सेस कर पा रहे हो, जैसे कि आप भीड़ भाड़ में और अपने फोन को आप अनलॉक नहीं कर पा रहे हो, तो वैसे में आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगा, इस पर आप टैप करोगे और यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर टैप करना है, ठीक है। उसके बाद जो ये आपका फोन है वो अनलॉक हो जाएगा। अब ये आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगा कहाँ, डायरेक्टली आपको अपने फोन के प्ले स्टोर के अंदर चले आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है वॉइस लॉक। यहाँ पर आपको वॉइस लॉक सर्च करना है और आपको इस एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर डाउनलोड करना है। और इसका रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.7 का रेटिंग है, और डाउनलोडिंग की बात करें तो 10 मिलियन प्लस डाउनलोडिंग है। यानी कि आप समझ सकते हो कि कितने लोगों ने अपने फोन में इस एप्लीकेशन को यूज किया है और अपने किसी भी फोन के अंदर वॉइस लॉक को एक्सेस किया है। तो आप भी अपने फोन में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और जैसे मैंने सेटिंग्स बताया है वैसे सेटिंग्स करो, और उसके बाद आप अपने किसी भी फोन के अंदर वॉइस लॉक को इनेबल कर सकते हो। तो ये सेटिंग्स आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्लीज जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।